अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना हो सके तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक तो भाई ज़रूर करके जाना। सो गाइज, आज हमारे पास है एक और रॉन्ग प्रोडक्ट जिसकी प्राइस है हम अप्रोक्स 400 से 450 रुपये। और ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि मैंने कोई दूसरा ईयरबड्स ऑर्डर किया था और मेरे को रिसीव हुआ है M10 ईयरबड्स, एंड यहाँ पर प्रॉपर सील पैक है। और ये भाई नॉर्मल M10 के बॉक्स से बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, तो मैं इसको फ़िलहाल खोल लेता हूँ। एंड बैकग्राउंड नॉइस मैंने इसी टाइम, देखो बैकग्राउंड नॉइस को आप इग्नोर कर देना। और हमें प्रॉपर M10 का बॉक्स रिसीव हुआ है, यहाँ पर आपको M10 देखने को मिलते हैं जिसका ये इतना बुरा हाल हुआ है। एंड हमें ईयर टिप्स देखने को मिलती है। भाई मैं तो, ये क्या कचरा भेजा है तुमने फ्लिपकार्ट वालों, ये क्या हरकत है भाई, ये क्या हरकत कर रखी है तुम लोगों ने। 450 रुपये इसके लिए पे करते हैं क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ़िलहाल के लिए ईयरबड्स वर्किंग होने चाहिए। ये भी वर्किंग नहीं है, ये क्या कर रहे हो फ्लिपकार्ट वालों, फ्लिपकार्ट ये क्या हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हुआ है भाई। यही वाली सिचुएशन हो रखी है फ़िलहाल। तो देख लेते हैं कि ये ऑन हो रहा है या नहीं। मैं फ़िलहाल इसको अंधेरे में ले जाके, यहाँ पर लाइट ग्लो करेगी अगर ये ऑन हो रहा है तो, अगर इसमें बैटरी है तो ऑन हो जाएगा। सॉरी ये नहीं चल रहा। एंड इस वाले को देख लेते हैं फ़िलहाल कि ये वर्किंग है या नहीं। ओ भाई ये चल गया, भाई ये चल गया, ओ ये चल गया, ये वर्किंग है। देखो इसमें लाइट ग्लो हो रही है। और ये वाला हमारा नहीं चला क्योंकि इसमें लाइट ग्लो नहीं हो रही है और बैटरी भी नहीं होगी शायद से। मैं एक बार पावर बैंक ला के ट्राई करता हूँ, अगर ये चल जाता है सेटअप तो। आ चुका है हमारा पावर बैंक जो कि अभी चार्ज है 75% तक। एंड अब इनको चार्ज करके देखते हैं भाई। वैसे पावर बैंक के साथ मेरे को ये केबल मिलती है चार्जिंग वाली, तो इसमें लगा के इसको चार्ज लगा कर चेक कर लेते हैं कि ये केस चार्ज हो रहा है या नहीं। यहाँ पर ये लगाने के बाद भाई ये चार्ज होना शुरू तो हो गया है, और ये 0% है, इसका मतलब ये बहुत लेट हमें चार्जिंग इंडिकेशन शो करेगा। ये देखो भाई, ये देखो ये चार्ज हो रहा है, ये इंडिकेशन शो कर रहा है, तो अच्छी बात है भाई, शो कर रहा है तो। भाई ये प्रॉपर दोनों की चार्जिंग शो होनी चाहिए थी, यहाँ पर एक ही शो हो रही है, ये दूसरे में लाइट भी ग्लो नहीं हो रही है, यहाँ पर इसकी चार्जिंग शो होने लग गई है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं 2 सेकंड इसको खोल के देख लेता हूँ भाई। आज के लिए इसका टीयर डाउन भी हो जाएगा। ये देखो इसको ज़रा सा प्रेस किया तो ये खुल चुका है, और यहाँ पर मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो रखी है इसमें। नहीं, इसमें फ़िलहाल तो कोई गड़बड़ नहीं हो रखी है, तो इसको मैं वापस क्लोज़ कर देता हूँ। एंड ये क्लोज़ हो चुका है। जैसे इसमें रेड लाइट जल रही है, इसमें कोई लाइट नहीं जल रही भाई, ऐसा क्यों भाई? इसमें लाइट तो ग्लो हो रही है पर चल नहीं रहा, ऐसा क्यों? हो सकता है इसकी मे बी बैटरी डैमेज हो। मैं इसमें बैटरी रिप्लेस करके भी ट्राई कर लूँगा, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने इसको रिटर्न लगा दिया है। पहली बात तो ये, इसको रिटर्न लगा दिया, अब एक्सपेरिमेंट होगा वो इसी के साथ होगा, और हम इसको वापस भी करेंगे। कहाँ पर? सो ये खाली नहीं है, इन सब में कुछ ना कुछ है। ये देखो यहाँ पर माइक मैंने चार्ज लगाया हुआ है, और यहाँ पर सब में कुछ ना कुछ है। मेरे पास बहुत से प्रोडक्ट है भाई, ऐसे ही पड़े रहते हैं, इसीलिए मैं गिव अवे का सोच रहा हूँ। सब के सब भरे हुए हैं, उन सब में सब कुछ ना कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ नहीं, जो इनमें होना चाहिए वही है।
और ये रहे हमारे M10 ईयरबड्स। फिलहाल ये वही वाले हैं, और मेरे पास एक T2 एक्स्ट्रा पड़े थे तो मैंने वो रिटर्न कर दिए, ये नहीं किए। इसमें प्रॉब्लम क्या थी भाई, जो ये वाला ईयरबड्स है ना, ये चार्ज नहीं हो रहा था प्रॉपर, ये वाला ईयरबड्स। तो इसमें क्या था, एक कैपेसिटर शॉर्ट हो रखा था, उसकी वजह से बैटरी भी डेड हो चुकी थी और भाई ये चल भी नहीं रहा था। भाई इसमें अब देखो प्रॉपर लाइट ग्लो होने लग गई है, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। एंड ये देखो इसमें प्रॉपर लाइट ग्लो हो रही है, और बैकग्राउंड नॉइस को आप इग्नोर कर देना प्रॉपर। और मैं, अगर आपको कोई भी ऐसे इस मॉडल में दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सोल्यूशन भी दे दूंगा। भाई मैं रिपेयरिंग भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन खाली अनबॉक्सिंग करता हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर अनबॉक्सिंग की वीडियो अपलोड करता हूँ क्योंकि वो आपको ज़्यादा पसंद आती है। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सॉरी फॉर द क्लिक बेट। एंड ऐसे ही भाई मैं क्लिक बेट बहुत कम करता हूँ, और अगर आपको सस्ते प्रोडक्ट्स चाहिए, और ये मैंने 100 रुपये में भी ऑर्डर कर रखे हैं भाई, मैंने कोई ऐसा क्लिक बेट तो नहीं किया। अगर आपको ऐसे सस्ते प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर ऐसे डील्स मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही वहाँ पर ज्वाइन करना।